आज मैं आप लोगों को बेसन की कढ़ी विथ पकौड़ी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही साधारण रेसिपी है और जिसे आप झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ 2 कप के करीब बेसन को लूँगी। इसके बाद मैं 1/2 टेबल स्पून कलौंजी यानी काला मंगरेला, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच खट्टे दही, कुछ हरी मिर्च को चॉप्ड करके मैं डाल ली हूँ। अब इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी को डालकर इसे अच्छी तरह से पकौड़ी के बैटर के रूप में तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गहरा। मैं यहाँ खट्टे दही का इस्तेमाल की हूँ, इससे आपके पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। चलिए, ये बैटर बनकर तैयार हो गई है। अब एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करें। मैं यहाँ रिफाइन ऑयल का यूज कर रही हूँ। अब बारी बारी से पकौड़ों को डालें और गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम में रखते हुए इसे अच्छी तरह से फ्राई करें। इसे हमें ज़्यादा ब्राउनी फ्राई नहीं करना है, बस ये हल्का फ्राई हो जाए, इस तरह से हमें फ्राई करना है, ताकि जब मैं इसे जूस में डालूं तो ये जूस को अच्छी तरह से सोख ले और स्पॉन्जी बने रहे। देखिए, ये एक साइड से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे पलट दूंगी और इसके दूसरे साइड को गैस को मीडियम फ्लेम में रखते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद देखिए, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। आइए, इसे हम अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से सारे पकौड़ियों को एक प्लेट में निकाल लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। देखिए, इस तरह से मैं सारे पकौड़ियों को निकाल ली हूँ। ये देखने में कितना सॉफ्ट और खिला खिला लग रहा है। आइए, मैं बाकी के बचे हुए तेल को एक अलग से बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि अब मुझे कढ़ी की तैयारी करनी है, जिसके लिए मुझे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल को चाहिए। देखिए, ये ऑयल तो गर्म है। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून सौंफ, 10 से 12 करी पत्ता, 1/2 टेबल स्पून राई, 1/2 टेबल स्पून जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च, इन सभी को मैं कढ़ाई में डालूँगी और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। 2 मिनट के बाद मैं यहाँ 1/2 टेबल स्पून के करीब चॉप्ड किए हुए अदरक को डालूँगी और 1 मीडियम साइज के प्याज को मैं बारीक काट ली हूँ, उसे भी डालकर इन सभी को 5 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम में रखकर फ्राई करेंगे। चलिए, जब तक ये फ्राई हो रही है तब तक मैं इसकी लिक्विड की तैयारी कर लेती हूँ। मैं उसी बर्तन में 4 टेबल स्पून बेसन को लूँगी और 4 टेबल स्पून खट्टे दही को लूँगी। इसके साथ साथ मैं 1 कप नॉर्मल वाटर को लूँगी। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे चम्मच से तो मिक्स नहीं किया जा सकता, इसलिए आप मेसर या फिर दाल घोटनी से इसे अच्छी तरह से मिला ले, ताकि ये परफेक्ट लिक्विड बनकर तैयार हो जाए, इसमें किसी तरह का लम्स ना रहे। देखिए, ये थोड़ी गाढ़ी है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा और पानी को ऐड कर दूंगी। इस तरह से इस लिक्विड को तैयार कर ली हूँ। चलिए, ये फ्राई भी हो चुके हैं। इसमें अब तैयार किए हुए घोल को डालें।
और गैस को अभी मीडियम फ्लेम पर ही रखें। इसे चला दें एक बार। अब मैं यहाँ कुछ ड्राई मसालों को ऐड करूँगी, जैसे हाफ़ टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और नमक भी हाफ़ टेबल स्पून। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को डालें और इसे एक बार मिला दें। 2 से 3 मिनट तक गैस को हाई फ्लेम में रखते हुए इसे अच्छी तरह से चलाएं। देखिए ये घोल थोड़ी थिकनेस हो गई है। मैं यहाँ हाफ कप के करीब वाटर को ऐड करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो सके। घोल को पतला ही रखें वरना आपकी कढ़ी हलवे में बदल जाएंगे। इस तरह से मैं 5 मिनट के लिए गैस को लो फ्लेम में रखकर ढक दी हूँ। 5 मिनट के बाद देखिए ये बॉयल हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। अब मैं यहाँ फ्राई किए हुए पकौड़ों को ऐड की हूँ और 1 टेबल स्पून के करीब मैं कस्तूरी मेथी को हथेलियों में अच्छी तरह से क्रश कर डालें और गैस को लो फ्लेम में रखकर 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। चलिए अब मैं इसके तड़के की तैयारी करती हूँ। तड़के के लिए 1 टेबल स्पून घी, घी मेल्ट हो जाने के बाद चुटकी भर हींग पाउडर, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च और हाफ टेबल स्पून तीखा लाल मिर्च पाउडर, इसे डालें और गैस को बंद कर दें। इसके बाद मैं यहाँ कढ़ी को चेक करूँगी। देखिए ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है, ये परफेक्ट घोल बनकर भी तैयार हो गई है। अब यहाँ मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूँगी और तैयार किए हुए तड़के को लगाऊँगी। तड़के को लगाने के बाद कढ़ी का स्वाद दुगना हो जाता है। इसे मिलाएं और सर्व करें। आइए मैं सर्व कर दिखा रही हूँ। देखिए ये ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। इसे बनाइए और खाने का आनंद लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।